नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप टमाटर की देख रहे हैं। टमाटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ, हालांकि लोकल टमाटर की तो आपूर्ति अभी नहीं हो रही है। लोकल टमाटर का अभी सीजन भी नहीं चला हुआ है। अहमदाबाद से टमाटर मंडी में आ रहा है, कभी नासिक से आ रहा है, कभी इंदौर से आ रहा है। इसी तरह अलग अलग राज्यों के जगहों से सोलन सब्जी मंडी में टमाटर पहुँच रहा है, लेकिन टमाटर के भाव में अभी भी तेजी देखने को मिल रही है। 750 रुपये तक टमाटर की क्रेट सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। 740 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर का रेट सोलन सब्जी मंडी में, और पिछले काफ़ी दिनों से इसी तरह के भाव मंडी में टमाटर के चले हुए हैं। टमाटर के भाव में ज़्यादा गिरावट इस वक्त देखने को नहीं मिली है, और 700 और 750 रुपये के बीच में ही टमाटर का रेट मंडी में चला हुआ है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में टमाटर के भाव में जरूर थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पिछले दिनों बारिशें भी अच्छी हुई है, और मैदानी राज्यों में जहां पर टमाटर इस वक्त लगा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वहां से भी टमाटर की आपूर्ति शुरू होगी और उसे टमाटर के रेट में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन गर्मियों के सीज़न में इस बार भी टमाटर के रेट बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार आजकल के दिनों में अहमदाबाद का टमाटर 400 से 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिकता था, लेकिन जैसे ही लोकल टमाटर की आपूर्ति शुरू हुई थी तो उसके बाद से टमाटर के भाव में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, और सोलन सब्जी मंडी में टमाटर ने एक नया इतिहास रचा था। जब 5000 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिका था, यह पहला मौका था कि जब टमाटर के रेट 2000 रुपये से ऊपर प्रति क्रेट पहुँचे थे, और 2000 रुपये से ऊपर ऐसे बढ़े कि 5000 रुपये तक टमाटर सोलन सब्जी मंडी में बिका था। लेकिन उसके बाद बरसात का सीजन जब चला, तो बरसात के सीजन में किसानों को मंदी की मार झेलनी पड़ी, और जो टमाटर 5000 रुपये प्रति क्रेट बिक रहा था वो 500 रुपये प्रति क्रेट भी मंडियों में बरसात के दिनों में नहीं बिका। लेकिन दिवाली के आसपास टमाटर के रेट में थोड़ी तेजी देखने को मिली, तो उस दौरान किसानों को कुछ पैसा जरूर मिला। अदरवाइज किसानों को बरसात के सीजन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन अब टमाटर के रेट में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 700 से 750 रुपये के बीच में टमाटर के रेट बने हुए हैं। अहमदाबाद से टमाटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। इसके अलावा सब्जियों के क्या रेट हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सब्जियों के भाव में आज तेजी देखने को मिली है, चाहे वो गोभी हो या मटर हो, लगातार रेट बढ़ रहे हैं। किसानों को अच्छा पैसा मिल रहा है, विशेषकर जो मटर उत्पादक है, मटर उत्पादकों को मंडी में आज 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज मटर बिका है, और फूलगोभी भी मंडी में तेजी पकड़े हुए हैं, और फूलगोभी 34 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। हरे धनिया की बात करें तो हरा धनिया मंडी में आज 15 से 20 रुपये प्रति गुच्छी प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पालक 15 रुपये प्रति गुच्छी के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। पालक के अलावा हरा प्याज भी मंडी में आया हुआ है, और हरा प्याज 20 से 25 रुपये प्रति गुच्छी सोलन सब्जी मंडी में बिक रही, जबकि मंडी में घिया आज और गोभी के जो 34 रुपये प्रति किलो थे रेट थे, अब वो गिर कर 30 रुपये हो गए हैं। अमर भारद्वाज जी, पहले 34 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी सोलन सब्जी मंडी में बिक रही थी, अब 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोभी सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है, 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। और घिया मंडी में आज 35 रुपये प्रति किलो है, और फ्रांसबीन 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रही है, जबकि हरी मिर्च 43 से 45 रुपये और खीरा 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। कटहल आज 55 रुपये प्रति किलो सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है, जबकि शलगम 20 रुपये प्रति किलो, और मशरूम 100 रुपये प्रति किलो, जिमीकंद 100 रुपये प्रति किलो, और फ्रांस बंद गोभी मंडी में आज
15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गट गोभी आज हम मंडी में 10 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यदि हम गट गोभी की बात करें तो 10 रुपए प्रति किलो है, जबकि भिंडी 60 से 70 रुपए है और बैंगन 35 रुपए है, शिमला मिर्च 70 रुपए और करेला भी 65 से 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। मटर आज रमेश चौहान जी 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। मटर की तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। और अदरक 120 रुपए हैं और साथ में नींबू 130 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। चुकंदर 20 रुपए प्रति गुच्छी सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। और तस्वीरें हम आपको इस वक्त सोलन सब्जी मंडी की दिखा रहे हैं। बड़ी मात्रा में गोभी की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में आज हुई है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन सब्जी मंडी से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं कि मंडी में सब्जियों के क्या रेट रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि हम बात करें सोलन सब्जी मंडी में टमाटर की, तो टमाटर के भाव में थोड़ी गिरावट तो नहीं, टमाटर के भाव कल की तरह ही आज देखने को मिले हैं। 10 रुपए की गिरावट है। कल 750 रुपए मैक्सिमम रेट था, आज 740 रुपए प्रति क्रेट सोलन सब्जी मंडी में टमाटर का रेट चला हुआ है। इसके अलावा से यदि हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में तेजी है, लगातार भाव बढ़ रहे हैं। मटर आज किसानों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मटर सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। कल मटर का रेट 40 रुपए प्रति किलो था, लेकिन आज 50 रुपए है। गोभी मंडी में आज 34 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। गट गोभी 8 से 10 रुपए के बीच में है और जो गोभी 34 रुपए के हिसाब से बिक रही थी अब वो 30 रुपए के हिसाब से बिक रही है। 4 रुपए की गिरावट अभी गोभी में हुई है, क्योंकि गोभी के लिए कॉम्पिटिशन भी है। बाहरी गोभी भी पहुंची है, लोकल गोभी भी सोलन सब्जी मंडी में आज पहुंची है। बंद गोभी आज मंडी में 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है। इसके अलावा अन्य सब्जी की बात करें तो भिंडी, शिमला मिर्च और करेला 65 से 70 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। फ्रांस बीन 40 रुपए प्रति किलो है, खीरा 35 रुपए प्रति किलो है और मूली 15 से 20 रुपए के बीच में, शलगम 20 रुपए प्रति किलो, हरा धनिया 15 से 20 रुपए के बीच में, पालक 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। और यदि हम बात करें खीरा की तो 35 रुपए प्रति किलो है, अदरक 120 रुपए है, नींबू 135 रुपए है, जिमकंद 100 रुपए है, मशरूम 100 रुपए है, अरबी 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। गाजर 13 से 15 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में, बंद गोभी 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। तो सोलन सब्जी मंडी में से आज के लिए बस इतना ही। श्याम वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और मिस्टर रमेश चौहान जी जुड़े हैं और अमर बातवा जी जुड़े हैं, तो सभी का हम धन्यवाद करते हैं। तो सोलन सब्जी मंडी की एक बार हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह का माहौल है। बड़ी संख्या में खरीदार सब्जियों की खरीद के लिए सोलन सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और इसके अलावा सब्जियां बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद।